हम भारत के इतिहास के साक्षी ही नहीं, उसका हिस्सा भी हैं। हमने बदलते दौर में बदलती सत्ताओं को देखा है। हमने वह दौर भी देखा है जब एक उंगली से बटन दबाकर सत्ताएं बदल दी जाती हैं। हमने वह दौर भी देखा है जब सत्ताएं बदलने के लिए खूनी संघर्ष हुआ करते थे। कोई अत्याचार के लिए लड़ता था तो कोई अत्याचार के खिलाफ, कोई अपनी प्रभुसत्ता और सम्मान के लिए लड़ता था तो किसी को लड़ना और दूसरों को हराना या मारना अच्छा लगता था। कई लुटेरे यहाँ आए और उन लुटेरों को इस देश से बाहर करने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए हमारा निर्माण किया गया। हमने बदलती सत्ताओं के वो दौर देखे हैं जब हजारों नारियां जोहर कुंड में समा जाती थी। हमारे बिना भारत का इतिहास अधूरा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अपूर्ण होगा। हम हैं भारत के किले। आज मैं आपको हमारे ही बीच में से किले की कहानी बताऊंगा। यह एकमात्र ऐसा किला है जिस पर दागे गए तोप के गोले किले को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। यह राजस्थान का सबसे अच्छा सपाट भूमि पर बना किला है। ऊंची ऊंची दीवारें और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यह किला नागौर शहर में स्थित एक प्रमुख और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह एक सुंदर रेतीला गढ़ है जिसे चौथी सदी में बनाया गया था। नागवंश द्वारा निर्मित नागौर दुर्ग महाभारत कालीन अन्य बहुत से दुर्गों की भांति मिट्टी से बना था। तिथियां बदलती रही और ये भी काल के थपेड़ों को सहन करता हुआ बदलता रहा। आज नागौर दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है वह राजाधिराज बख्त सिंह के समय का प्रतीत होता है, जिसमें कुछ संरचनाएं अत्यंत पुरानी और उसके बाद की कुछ संरचनाएं हैं। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में किले का पत्थर से निर्माण शुरू हुआ। मिट्टी का बना था किला नागौर दुर्ग भारत के प्राचीन क्षत्रियों द्वारा बनाए गए दुर्गों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग के मूल निर्माता नाग क्षत्रिय थे। नाग जाति महाभारत काल से भी कई हजार साल पुरानी थी। यह आर्यों की एक शाखा थी तथा इक्ष्वाकु वंश से किसी समय अलग हुई थी। महाभारत काल में नागौर तथा पूर्व वंशजों के बीच राजनीतिक सत्ता को लेकर विराट संघर्ष हुए, जिसके चलते बहुत से लोग नागों को और औरों से अलग जाति मानने लगे। महाभारत काल के जन्मेजय यज्ञ के बाद ही नागों की बहुत क्षति हुई, किंतु कालांतर में नागों का एक बार फिर से अभ्युदय हुआ जो मगध के गुप्त वंश के उदय होने तक चलता रहा। गुप्तों ने नागौर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद नाग छोटे छोटे राजाओं के रूप में राज्य करने लगे। वर्तमान नागौर भी उन्हीं नागौर की एक राजधानी थी। उन्होंने ही यह नाथ दुर्ग बनाया जो अहिशत्रगढ़ तथा नागौर किले के नाम से विख्यात हुआ। नागौर का किला बहुत से युद्धों का प्रत्यक्ष दर्शी है। नागौर का किला वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध है। कई युद्धों का साक्षी यह किला बीते युग में लड़े गए कई युद्धों का साक्षी है। यह राजस्थान का सबसे अच्छा सपाट भूमि पर बना किला है। अपनी ऊंची दीवारों और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक किले के अंदर आकर कई महलों, फव्वारे, मंदिरों और खूबसूरत बगीचों को देख सकते हैं। इस किले का निर्माण नागवंशियों के द्वारा किया गया था और बाद में किले को मोहम्मद बहलीन द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। इस किले के 6 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार लोहे और लकड़ी के नुकीले किलों से मिलकर बना है जो दुश्मनों और हाथियों के हमले से रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। दूसरा प्रवेश द्वार बिजली पोल है। तीसरा कचहरी पोल। चौथा सूरज पोल। पांचवा धरती पोल। छठा राजपोल है। आखिरी दरवाजे को प्राचीन काल में नागौर की न्यायपालिका के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ राजा का
दीवाने आम में दरबार लगता था, जहां राजा लोगों की समस्याएं सुनते थे। नागौर की सुंदरता यहां के पुराने किलों व छतरियों में है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण हमें नागौर में प्रवेश करते ही देखने को मिलता है। इस नगरी में प्रवेश करने के लिए तीन मुख्य द्वार हैं, जिनके नाम देहली द्वार, त्रिपोलिया द्वार तथा नकाश द्वार हैं। किले के भीतर भी छोटे बड़े सुंदर महल व छतरियां हैं, जो हमें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में खींच ले जाती हैं। संरक्षित हैं सैनिकों की यादें। किले के भीतर चार सुंदर पैलेस, हाड़ी रानी महल, अकबरी महल, आभा महल व बख्त सिंह पैलेस हैं, जो अपने सुंदर भित्ति चित्रों व स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध हैं। इसके समीप ही एक शाहजहानी मस्जिद है, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने अपने कार्यकाल में बनवाया। इसके अलावा कुछ मज़ारें भी बनी हैं। इसी के साथ ही किले के भीतर राजपुताना शैली में बनी हुई सैनिकों की सुंदर छतरियां भी हैं। किले में राधा, कृष्ण, आराध्य देव गणेश, भैरव जी व नाहर माता जी का मंदिर है। गणेश मंदिर में हर बुधवार भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है। बड़ी तीज पर किले में राधा कृष्ण मंदिर में मेला लगता है। यह किले का श्रृंगार किया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर के सामने विशाल मैदान में दरबार की ओर से खेलों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ हाथियों को रखा जाता है। नागौर किलों और महलों के कारण सदा से ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। नागौर का किला दूर दूर तक फैली रेत के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देता है। चौथी शताब्दी में अस्तित्व में आया किला राजस्थान के अन्य किलों की तरह ही ऊंचाई पर स्थित है। यूनेस्को ने अहिछत्रगढ़ दुर्ग या नागौर किले को 2002 में एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड यानी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से अलंकृत किया है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा नागौर किलों व महलों के रूप में नायाब खूबसूरती को समेटे हुए है। किले में तीन बारादरी स्थित हैं, जहां राज परिवार के लिए मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नागौर का किला जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले से हमें आज के समय में जल संरक्षण सीखना चाहिए। बरसों पहले भी पूरे किले के पानी को एक स्थान पर संग्रहित कर रखे जाने की व्यवस्था थी। किले की मोटी मोटी प्राचीरों के ऊपर इस प्रकार नालियों का निर्माण किया गया था कि सारा पानी बहकर एक के बाद एक कुएंवा गड्ढों से होता हुआ बावड़ियों में पहुंच जाता था। पूरे महल में जल प्रबंधन इस प्रकार था कि फाउंटेन भी पानी से एक्टिवेट होते और उनका पानी भी बाहर वापस बावड़ियों में चला जाता। इसी प्रकार महल के विभिन्न भागों में पानी की आपूर्ति भी इन्हीं बावड़ियों से होती थी। निकटवर्ती चेनार गांव के शक्कर तालाब से पत्थर की नालियों से किले में पानी को पहुंचाया जाता था। इसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। अकबर के नागौर प्रवास के दौरान किले में उनके लिए एक महल का निर्माण करवाया गया था, जिसे अकबरी महल कहा जाता है। हमाम, इसके अलावा महल में रानियों के लिए विशाल स्नानागार व उनमें भित्ति चित्र भी देखते ही बनते हैं। दीपक महल राजा महाराजा के समय में होने वाले आयोजनों में रोशनी की व्यवस्था के लिए सैकड़ों दीप जलाए जाते थे। दीपक जलाए जाने के सबूत आज भी यहाँ पर विद्यमान है। आज की कड़ी में बस इतना ही। आज के ज़माने के लोगों के लिए ये किले सिर्फ ईंट पत्थर से बने हुए एक ढांचे हैं, एक खंडहर हैं। परंतु जो लोग इतिहास को जानते हैं वो इन्हें देखकर अचंभित ही नहीं आश्चर्यचकित भी होते हैं, और उनके मन में इन किलों के प्रति अपार श्रद्धा उभर कर आती है। अगर आपने भी इस किले को देखा है तो आपको कैसा लगा वहाँ पर हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक बार फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।